लोटस आयुर्वेदा इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं उत्पल चौधरी। आज हम बात करेंगे क्या बवासीर रोगी मिठाई और चीनी खा सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। मिठाइयाँ खाना तो हम सभी को बहुत पसंद होता है, वहीं हम सभी रोज किसी न किसी रूप में चीनी का सेवन भी करते हैं। लेकिन हमेशा यह सलाह दी जाती है कि हम सभी को इनका सेवन बहुत सीमित मात्रा में करना चाहिए। भले ही यह आपको बहुत स्वादिष्ट लग सकती है, लेकिन इनका नियमित सेवन सेहत के लिए बहुत नुकसानदायक साबित हो सकता है। हालांकि कोई खास त्योहार होने पर और मॉडरेशन में मीठी चीजों का सेवन करने से कोई बुराई नहीं है, लेकिन नियमित इनका सेवन करना सही नहीं है। लेकिन जिन लोगों को बवासीर की समस्या है, उनके साथ एक काफी देखने को मिलता है कि वे मीठी चीजों के सेवन को काफी असमंजस में रहते हैं कि उन्हें मिठाई खानी चाहिए या नहीं। इसको लेकर के इनके मन में तरह तरह के सवाल उठते रहते हैं। वहीं बवासीर के कुछ मामलों में अक्सर लोगों को मीठा खाने के बाद मल त्याग में परेशानी और कब्ज जैसी समस्याएं देखने को मिलती हैं। ऐसे में जानना उनके लिए और भी महत्वपूर्ण हो जाता है कि उन्हें मीठा खाना चाहिए या नहीं। अगर आपको भी बवासीर है और आप जानना चाहते हैं कि इसका सेवन आपके लिए ठीक है या नहीं, तो मैं आपको बता रहा हूं। क्या बवासीर में चीनी खा सकते हैं? नहीं, नो, नेवर। अगर किसी व्यक्ति को बवासीर है तो उसे अपनी डाइट में चीनी को पूरी तरह से बाहर कर देना चाहिए, क्योंकि थोड़ा बहुत या कभी कभी आपने कुछ मीठा खा लिया तो इससे कोई बुराई नहीं है। जैसे फेस्टिवल हो गया, आपने खा लिया, चलता है। लेकिन वो आपकी दैनिक डाइट का हिस्सा है तो इससे आज से ही दूरी बनानी चाहिए, क्योंकि आपको जानकर हैरानी हो सकती है। कुछ मामलों में बवासीर का कारण मीठे फूड्स का अधिक सेवन हो सकता है। जब आप मीठे फूड्स का सेवन करते हैं जब आप मीठे फूड्स का सेवन करते हैं तो इनमें प्रोसेस फूड और चीनी का प्रयोग किया जाता है। आपको बता दें कि इनमें न्यूट्रिशंस के नाम पर कुछ भी नहीं होता है। साथ ही प्रोसेसिंग के दौरान इनमें मौजूद डाइटरी फाइबर भी पूरी तरह से निकल जाता है। इनमें मौजूद मूल पोषक तत्व भी छिन जाते हैं। भले ही आप मिठाई खा रहे हो या सीधे तौर पर चीनी, आपको इस सेवन से बचना चाहिए, क्योंकि जब आप इनका सेवन करते हैं तो इससे शरीर में सूजन बढ़ती है। सॉरी। वहीं ये बवासीर रोगियों में कब्ज को भी बदतर बना सकती है। इसके कारण आपकी स्थिति अधिक गंभीर हो सकती है। सिर्फ बवासीर होने पर ही नहीं, मैं सलाह देता हूं कि आपको प्रोसेस चीनी या इससे बने फूड्स का सेवन कम से कम करना चाहिए, क्योंकि इससे शरीर में कई अन्य रोग भी पैदा होते हैं। तो ये था हमारा आज का वीडियो। आपको कैसा लगा कमेंट करके बताएं। धन्यवाद।